इंट्रोड्यूस कर दिया था, अग्रीड, बट क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन करना सबसे इम्पोर्टेंट है. तो मैंने क्वेश्चन 83 तक दे दिया था, तो दो बाकी थे. ओके, तो दो क्वेश्चन बाकी थे, कौन से, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 4. तो पहले क्वेश्चन 5 पीडीएफ में लिखा है तो वो कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन 4 कर देता हूँ. ठीक है, तो इफ 7 टाइम्स ए प्लस ए इनवर्स इज गिवन दिस मैट्रिक्स, तो 12, 25, 21, 20, 23, 77, ऑलराइट, एंड माइनस 14, 21, 21, पता नहीं क्या दिया है. ऑलराइट, और पूछा है डिटरमिनेंट ए इज 7, एंड पूछा गया बच्चों ए इनवर्स माइनस आई क्यूब, ए इनवर्स माइनस आई थ्री लिखना चाहता था, मैंने आई क्यूब लिख दिया, ए इनवर्स माइनस आई थ्री लिखना चाहता था मैं शायद, आई डोंट नो व्हाई आई रोटेड एज आई क्यूब, बट एनी वे आई क्यूब भी आई होता है, तो आई होप इट इज अंडरस्टूड. एनी वे मतलब इससे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हुई. तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मिलेगा. ऑलराइट, सो इसमें से ए इनवर्स कॉमन निकाल लो, ए इनवर्स कॉमन निकाल लो, तो ए इनवर्स बचेगा यहाँ पे आई के कारण ए बचेगा, आई के कारण ए बचेगा और माइनस टू समझेगा. बोलो बच्चों ये समझा क्या, ये ए इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये आई बचेगा और ये माइनस टू इनवर्स बचेगा. इज अंडरस्टूड? यस सर. अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं. ऑलराइट, ये देखो, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी, लो टू आई बचेगा, माय मिस्टेक, मैंने लिखा नहीं अच्छे से. तो ये बन रहा है बच्चों दिस एंड दिस. तो ए इनवर्स का डब्बा क्या होता है बच्चों, वन बाय डब्बा ए, आई होप यू रिकॉल दैट. तो ए इनवर्स प्लस ए माइनस टू आई, ओके, ए इनवर्स माइनस ए माइनस टू आई, ये बन रहा है. और इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, वन बाय डिटरमिनेंट इज 7, तो मैं 7 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, 7 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं. तो कितने बच्चों को समझा है कि ये प्रॉपर्टी लग रही है, k इंटू ए का डब्बा इज k रेस टू एन डब्बा ए. तो समझ रहे हो मैंने k को क्या डाला है, 7, तो 7 ए का डब्बा इज 7 क्यूब का डब्बा, ऐसे करके. तो पहले तो मैंने 7 क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड करा, समझ रहे हो, 7 क्यूब ये चला गया और नीचे 7 क्यूब, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो 7 क्यूब अंदर चला गया और बाकी नीचे बचा 1 बाय 7 रेस टू 4, ये समझा बच्चों को, आगे करूं कि दिख गया. नाउ सिंपली पुट, मतलब 7 टाइम्स a माइनस a प्लस a इनवर्स, ये तो अपन को गिवन है, इसमें से 14i सबट्रैक्ट करना है. तो 14i मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला मैट्रिक्स तो कंप्लीटली गिवन है, तो ये बहुत इजी पड़ गया. अब इसमें से 14 डायगोनल एलिमेंट्स में से सबट्रैक्ट कर दो, डायगोनल एलिमेंट्स में से 14 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, डायगोनल एलिमेंट्स में से 14 सबट्रैक्ट कर दो, तो विल बी लेफ्ट विद, अच्छा डिटरमिनेंट भी है, तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस टू 25, 21, 20, and this will be 9, 77, and minus 14, 21, और 7. तो I hope this is okay. तो इसमें से कुछ common निकल रहा है, निकाल लेना आराम से और solve कर लेना, like just get the answer, get the value, ठीक है? I hope this is understood. तो 5th हो गया, और उसके बाद ये वाला कौन सा था? Question 4, group पे posted है, ऐसा भेजा था मैंने. अच्छा, ये बहुत ही डेंजर सम है बच्चों, इट लुक्स इजी बट इट इज सो नॉट इजी, इसमें थोड़ी फाइट है. ओके, तो चलो ध्यान से सुनो. तो जो भी दिया हुआ है सारे P1, P2, P3, P4, तो कैपिटल एक्स का गिवन है समेशन ऑफ के गोज फ्रॉम 1 टू 6 पी के, उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स 213, 102 एंड 321 इंटू PK का ट्रांसपोज, ये बोला है बच्चों. ऑलराइट, तो अपन एक एक करके ऑप्शन वाइज करते हैं, ऑप्शन वाइज. तो ऑप्शन, अच्छा पहले तो ये बताओ क्लियरली बी ऑप्शन ट्रू है, क्यों, एक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, समझ आ रहा है, एक्स का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 213, 102, 321,
और पी के टी, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ना, जल्दी बताओ, सारे एलिमेंट्स एडिशन, सारे मेट्राइसिस एडिशन में तो इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे करके, मतलब अभी फिलहाल ऐसा दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का ट्रांसपोज, तो वो ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी तो होता है, तो इंडिविजुअल मेट्राइसिस का ट्रांसपोज, और कितने बच्चों को देख रहा है कि इसका ट्रांसपोज लोगे, तो ट्रांसपोज का क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है ना ट्रांसपोज में, तो पी के टी का टी ऐसे समझ रहे हो, और ये वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो यही है क्योंकि इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लुक एट इट, 213 213, और दिख रहा है ये सिमेट्रिक है ऑलरेडी, तो वो एक्स ही बन रहा है, चलेगा, तो एक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रिटी ऑब्वियस। उसके बाद ए ऑप्शन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो, तो एक्स इंटू 111 विल बिकम समेशन ऑफ के गोस फ्रॉम 126 पी के 213 102 321 पी के ट्रांसपोज इंटू 111, ये बनेगा ना, ओके, तो पी के ट्रांसपोज इंटू 111 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 111 राइट साइड से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। अब ऐसे सोचो, तुम किसी भी मैट्रिक्स को 111 से मल्टीप्लाई करो, यू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय 111, व्हाट यू गेट, जैसे आप एक काम करो, P5 ले लो, P5 क्या है, 001 100 010, तो कितने बच्चों समझ रहे कि इसको अगर आप 111 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, 001 100, कितने बच्चों दिख रहा है, पी के ट्रांसपोज इंटू 111 इज एक्चुअली 111 ओनली, चलेगा, ओके, यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ, पी के टी इंटू 111 इज एक्चुअली 111, आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर, ये बन रहा है बच्चों, तो इसके बेसिस पर क्या बन जाएगा, दैट इज द केस बिकॉज ये सारे मैट्रिक्स मैट्रिसेस में सारे रोज में एक ही वन है और बाकी एक ही वन और बाकी सब जीरो है, अग्रीड, यस, इजीलिए, ऑफ कोर्स, है ना, वो दिख रहा है करके देख रहा है, टाइप 321 into 111, अब फिर से ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डू यू अंडरस्टैंड, 2 into 1 3 6, हाँ, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है ना एक तरीके से, मतलब 2 + 1 + 3, तो ऐसे करके बन रहा है पी के टाइम्स 6 3 6, चलेगा बच्चों को, बोलो कितने बच्चों को ये चलेगा, ये तो एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, मतलब ऐसा बन रहा है P1 into M matrix plus P2 into M matrix dot 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 P6 into M matrix, है ना, तो M को बाहर निकाल लूं, बताओ, M को ऐसे पूरे में से बाहर निकाल के पहले P1 plus P2 plus P3 up to P6 into M लिख सकता हूं ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये देखो समेशन ऑफ पी के, बताओ क्या बन रहा है, समेशन ऑफ पी के, समेशन ऑफ पी के क्या बन रहा है सर, 1 1 1 1 1 1 1, नहीं यार, 2 2 2, सारे एलिमेंट्स में 2 2 है, 2 2 है, सारे ऐड करोगे तो हर जगह पे 2 2 2 2 2 2 बचेगा, ठीक है, चलेगा, तो अब देखो ये क्या बन रहा है, 2 into this 12 6 12, दिख रहा है बच्चों को, 30 और ऑल एलिमेंट्स विल बी 30, हाँ, तो उसको 30 times 111 बोल सकता हूँ, बोलो, तो x times 111 is 30 times 111, बोलो, है ना, ये कहाँ से सम्स हैं, लास्ट लेक्चर दिए थे यार निशिम यार, लास्ट लेक्चर के सम्स हैं, ठीक है, अब इसके लिए बच्चों देखो डी वाला ऑप्शन, नाउ डी ऑप्शन के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ, एक्स माइनस 30i into 111, ये समझ गया, इसको इस साइड लाओगे और 111 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 30 111, बट समझ रहे हो ना, i बचता है कॉमन निकाल के, यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो, एक्स माइनस 111 क्यों, अरे ये तो अभी सिर्फ एक्स माइनस 30, अच्छा ओके, हाँ कम कॉमन निकाला ना, इसको लेफ्ट साइड लेके आया, तो इस लाइक एक्स इंटू ए मेट्रिक्स इज 30 into A matrix, तो XA minus 30A is null matrix, तो X minus 30I into A is null matrix, ऐसा टाइप का बन रहा है ना, वो matrix 1 1 1 1 को A बोल दिया ऐसे ही,
अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स माइनस 30i तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, लेट कैपिटल एक्स माइनस 30i, एनालिसिस याद आ रहा है, ए इंटू बी इज नल मैट्रिक्स, ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो क्या 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 बोल सकते हैं, तो लेट एक्स माइनस 30i का डब्बा भी नॉन जीरो। मुझे नहीं पता इस वाले मैट्रिक्स का डब्बा जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, अगर इसका डब्बा नॉन जीरो होता है इसका मतलब डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, इक्वेशन वुड इंप्लाई दिस, यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 30i। यस सर। और ये बचेगा कि नहीं बताओ, विच इज अ क्लियर कट कॉन्ट्राडिक्शन, ये नल मैट्रिक्स नहीं है दिख रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्शन छोड़ के जा रहा है अपना अजम्पशन, किसका कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसका मतलब है x माइनस 30i का डब्बा जीरो होना पड़ेगा। क्या 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 डायरेक्टली नहीं कह सकते कि x माइनस 30i जीरो हो सकता है, ये दिख रहा है मतलब कि ये तो कांस्टेंट है तो नहीं हो सकता ना मैट्रिक्स, डायरेक्टली कैसे बोलेगा, भूल गया क्या, a इनटू b नल मैट्रिक्स है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वन ऑफ देम हैज टू बी नल मैट्रिक्स, उसके लिए कंडीशन होती थी। हां बोलो, वो आपने बताया था लेकिन ये तो यहां पे तो दिख रहा है कि 1 1 1 नल मैट्रिक्स हो नहीं सकता, मतलब हां हिसाब से बोलो तो वही तो किया मैंने, अगर वो याद है आपको कंडीशन बहुत अच्छे से रटा हुआ है तो डायरेक्टली बोल सकते थे, उसी को मैंने ऐसे लिख दिया प्रॉपर्ली, मतलब काइंड ऑफ रीडिराइव कर दिया यार अब क्या, तो दिस शुड आल्सो बी फाइन, डायरेक्टली अगर दिख रहा था तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्या बोला था मैं, सी ऑप्शन की बात किया। हाँ तो ये हो गया, और उसके बाद सी ऑप्शन, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स इज 18, तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज का मतलब समझ आ रहा है, ट्रेस ऑफ एक्स बच्चों, तो ट्रेस ऑफ एक्स मतलब क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ पी वन, ये वाले मैट्रिक्स को मैं काम करता हूँ ऐसी एक, लेट कैपिटल ए बी दिस मैट्रिक्स, एक सेकेंड, 213102, if I were to call this, if this is capital A matrix, let's say कौन सा है, 213102321, अगर ये capital A matrix है then x किसके बराबर बन रहा है, summation of k goes from 1 to 6 pk into capital A into pk का transpose, pk का transpose है ना, यही बन रहा है। अब उसने बोला है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो कितने बच्चों ने समझा है, ट्रेस ऐसा बन जाएगा है ना, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रेस ऑफ, जैसे ये तो याद है ना, ट्रेस ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट डॉट, ट्रेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, आई होप यू रिकॉल, तो ट्रेस अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पी के इंटू ए टाइम्स पी के टी, ऑलराइट, ये बन रहा है k goes from 1 to 6, बट अपन इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ ये लिख सकता हूं क्या, बताओ ये क्या किया मैंने, याद आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए बी सी इज ऑल्सो ट्रेस ऑफ सी ए बी साइक्लिक शिफ्ट बच्चों, यस सर, तो व्हाट इज पी के टी इन टू पी, जल्दी बताओ, pk t into pk क्या बन रहा है, pk transpose into pk, I'm guessing ये i बनना चाहिए, I'm guessing ये i बनना चाहिए, जैसे p5 into उसका transpose कर लेते हैं, p5 का transpose into p5, तो वो क्या बन जाएगा, एक try करके देख लेते हैं, 0 0 1 1 0 0 0 1, अच्छा नहीं तो p5 है, तो p5 का transpose पहले क्या बनेगा, 0 0 1 सर, पर वो आई बनने का तो उसका लाइक वो कि ट्रांसपोज इनटू वो भी फाइव आई बनेगा, हाँ एक सेकंड रुक जाना, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, हाँ एक्चुअली सही बोल रहा है, अब मैं कर दिया तो कर दिया, चलो यार, हाँ तो ये क्या बन जाएगा, जीरो वन जीरो, तो वन जीरो 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 जीरो, हाँ यार वही बन, और टू टू एलिमेंट एक बार चेक कर लेता हूँ, जीरो नहीं यार, व्हाट द हेल, टू टू एलिमेंट के लिए जीरो जीरो, नहीं नहीं सही है सही है, हाँ सही है सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा दिमाग एकदम से चलना बंद हो गया, ये हो गया, तो कितने बच्चों समझ रहे हैं कि अगर ये आई है तो आई इंटू ए तो ए होता है, तो ट्रेस ऑफ ए क्या बन जाएगा बच्चों, के गोज फ्रॉम वन टू सिक्स, तो ट्रेस ऑफ ए, ए तो फिक्स्ड है,
तो 6 times 3 दिख रहा है क्या बच्चों, जल्दी बताओ। रेस ऑफ ए तो 3 है और उसको 6 बार सम करोगे तो 18। बोलो तो दिस इज द सम। था ये बंबू सम भाई, ये जेई का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट ईयर का 2018 या 2019 का है। दिस वाज 19 का, तो दिस वाज अ वेरी 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 गुड सम। दिस वाज अ वेरी 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 गुड सम, इसलिए मैंने सीधा क्लास में करा दूं। बहुत ही अच्छा सम दिया था जेई में। एज आई सेड ऑलवेज के लाइक जेई में आजकल मैंने देखा मैट्राइसिस पे अच्छे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इजी तो जो भी मैंने तुमको दिए हैं अच्छे ही क्वेश्चन दिए हैं। जेई में आजकल इजी पूछते ही नहीं है, इस पे अच्छे ही क्वेश्चन पूछते हैं। देखो कितना मेहनती सम था ये, ठीक है। तो मैट्राइसिस के आपको पास्ट जेई वाले क्वेश्चन तो करने ही है, करना ही है, कुछ भी कर लो बिल्कुल करना है वो सॉल्व, ठीक है। 3 मिनट्स के लिए लेंदी था भाई, अरे लेंदी क्या, सॉल्वेबल नहीं था भाई ये, एडवांस ऑफकोर्स यार संस्कृति, अरे ये सॉल्वेबल नहीं था, नहीं था ये सॉल्वेबल। दिस इफ यू ट्राइड तो मिनिमम अगर सॉल्व करने तक आते तो 20 मिनट लगते हैं ये सॉल्व, देर इज नो वे 3 मिनट में। हार्डली मुझे ऐसा लगता है 1% ऑफ द बच्चों ने 3 मिनट में करा होगा, 3 से 4 मिनट में, 3 से 4 मिनट में हार्डली 1% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ ऑप्शन बी सॉल्वेबल था एक्चुअली, हाँ मतलब इसमें कुछ ऑप्शन आ जाते बट सारे ऑप्शन निकालने में यू वुड हैव गॉन लाइक कि ये क्या चल रहा है टाइप, पगलापन हो जाता। तो देख लो, देख लो ना, मतलब ये तो मैं तो टीचर हूँ, मतलब मैंने तो अभी एक एक ये क्वेश्चन करा रखा है पिछली बैच में भी, तो मेरे को तो पता पड़ा कि एग्जैक्टली क्या 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 करना है। सर अब इसके ऊपर वाला भी दिखा दूंगा एक सेकंड, ये तो फिर पीडीएफ शेयर कर ही लूंगा ना मैं यार, मतलब अभी स्क्रीनशॉट लेके क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा। हो गया सर। ठीक है यस सर। मैट्राइसिस में अभी और कितने थ्योरी बची है? बस एक लेक्चर आज का और थोड़ा सा एक आज और 15-20 मिनट्स का और कुछ, ठीक है। चलो तो इसमें ये भी तो देखो कितनी प्रॉपर्टीज एक साथ लग गई, ट्रेस वेस की प्रॉपर्टी भी लग गई और क्या 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 लग गया। सर बुकलेट में सर रैंक वाले क्वेश्चन जो वो छोड़े क्या हम लोग, या फिर रैंक नहीं, रैंक रैंक में पढ़ाऊंगा भी नहीं, रैंक सिलेबस में नहीं है और उसपे पूछते भी नहीं, जेई में तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। बट ये देखो इसमें बहुत सारी चीजें मतलब जेई में क्लोज टू दिस पूछ लेते हैं, इसलिए मैं ये पढ़ा देता हूँ। आपने देखा होगा के लिए मिल्टन थ्योरम का लास्ट लेक्चर एक क्वेश्चन कराया था मैंने, जेई का क्वेश्चन था वो, और के लिए मिल्टन बुकलेट में है। हाँ हाँ तो रैंक वाला छोड़ दो, रैंक में पढ़ाऊंगा भी नहीं, जबरदस्ती का टॉपिक है वो, उसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल जेई से। नहीं क्यों छोड़ दो, वो तो मैंने बताया भी था, इट्स जस्ट अ नोटेशन, डायगोनल d1 d2 d3 मतलब इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्यों छोड़ दो। अच्छा सॉरी सर, हाँ ये तो बताया ही था मैंने सर। बुकलेट में थोड़े ईगन वैल्यूज से क्वेश्चन आ रहे थे, ईगन वैल्यूज आज कराऊंगा ना, रुकना पेशेंस सर, और थोड़े नहीं एक ही क्वेश्चन है। चलो तो लास्ट लेक्चर हो गया था अपना वेंट हायर पावर ऑफ मैट्रिसेस, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर भी थोड़ा सा डेंजर है, ठीक है। चलो तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे ही क्या क्या और बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं जितना समझा सकता हूँ जेन्युइनली उतना ही समझाऊंगा, बट अगर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाईफाई एक्सप्लेनेशन है तो मान लेना कि चलो ट्रू है, ओके। सब चीजें समझा नहीं पाऊंगा। तो केली हैमिल्टन थ्योरम में हमने क्या देखा था कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय द एन डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा आफ्टर पुटिंग दिस डब्बा जीरो, ठीक है। ये डब्बा जीरो खोगे तो लैम्डा में एक एन डिग्री इक्वेशन मिलेगा, उसकी जगह पर ए सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ये अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टी वन, सबसे पहले ये देखो प्रॉपर्टी वन क्या बोलता है। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ट्रेस होता है, और दूसरा प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डेट ए होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड सम ऑफ रूट्स इज ट्रेस ए। जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे ये दोनों चीजें बिल्कुल यूज कर सकते हो। आई जस्ट शो यू वंस, समझा तो समझा नहीं तो डिच मार देना, समझा तो समझा नहीं तो उचका देना। तो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी क्या बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टेक्निकली ऐसा टाइप का डब्बा जीरो रख के बनेगा, ए टी टू माइनस लैम्डा ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री माइनस लैम्डा, ओके ऐसा बन रहा है। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको बोल दूं एफ ऑफ लैम्डा, तो एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू जीरो विल बी द इक्वेशन, है ना। एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू जीरो विल बी द इक्वेशन। अब मुझे एक बार सोच के बताओ, अगर मैं एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू जीरो को प्रॉपरली एक्सपेंड करता हूँ, ए रेस टू एन लैम्डा रेस टू एन प्लस ए रेस टू एन माइनस वन लैम्डा रेस टू एन माइनस वन डॉट 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 ए नॉट, ऐसे करके ये मान लो एफ ऑफ लैम्डा आ जाता है मेरा। तो मुझे एक बात बताओ, वॉट इज एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या बचेगा बच्चों, ए नॉट है ना। यस बच्चों डिटरमिनेंट है ना। वैसे इसमें लैम्डा रेस टू एन का कोफिशिएंट वन आ सकता है हमेशा, समझाता हूं। एफ नॉट ये आ रहा है ए नॉट, और यहां पे एफ ऑफ जीरो क्या बन रहा है बोलो, लैम्डा को जीरो रखेगा तो ए का डब्बा ही बच रहा है काइंड ऑफ। तो तुम्हें दिख रहा है कि यार इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा रेस टू एन। तो ये दिख रहा है, थोड़ा आइडिया लग रहा है बोलो। सर माइनस वन रेस टू पावर एन क्या है, वो एडजस्ट हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। मैंने तो ऑफकोर्स, अरे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा वो माइनस वन रेस टू एन। अब वो ओपन करके मैं दिखाना नहीं चाहता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये दोनों, एक तो उसके इसके कारण भी एक माइनस साइन आएगा और एक इसके कारण भी माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस के कारण। चलो ऐसा ले लेते हैं यार, मैं भी क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ओपन करता एन ऑड होगा तो फिर लैम्डा टू पावर एन का एक कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा। अरे यार चल दिखाई देता हूँ, देख इमेजिन कर, वो दिखाने नहीं जा रहा था। चलो ठीक है, इसमें समझ आ रहा है, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस लैम्डा क्यूब से स्टार्ट होगा। माइनस लैम्डा क्यूब प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस द कांस्टेंट टर्म, है ना। तो तुझे दिख रहा है यहाँ पे सिंस डिग्री थ्री है तो माइनस लैम्डा क्यूब बचेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस दिस बाय दिस, तो सी बच रहा है। Oh, yes, sir. है ना, विच इज ऑल्सो एफ ऑफ जीरो टेक्निकली। टेक्निकली अगर इसको अपन ने एफ ऑफ लैम्डा बोला था तो एफ ऑफ जीरो वही है, बट एफ ऑफ जीरो इज डिटरमिनेंट चलेगा तो वो माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। एक माइनस उसके कारण आएगा अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के कारण, और एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस डब्बा ओपन करके आएगा, तो वो एडजस्टेड है, एडजस्टेड है, मैं ये बता रहा हूँ, वो उस पर ध्यान मत दो इतना। और दूसरी बात ऑल्सो, जब तुम इसको ओपन करते हैं तो ध्यान से देखना मेरी बात, ए वन वन माइनस लैम्डा इंटू क्या बनता, ए टू टू माइनस लैम्डा इंटू ए थ्री थ्री माइनस लैम्डा माइनस ये, तो ये सम कांस्टेंट। उसके बाद कितने बच्चों से आ रहा है कि ए वन टू का जब ओपन करते ए वन टू का, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितने बच्चों को दिख रहा है, बाकी सब लीनियर बचेंगे। हाँ या ना, बाकी सब लीनियर बचेंगे, नॉट इवन टू डिग्री टर्म्स विल बी क्रिएटेड। डू अंडरस्टैंड कि ए दिस इसमें ओपन करोगे तो ऐसा, और ए वन थ्री में भी ये और एक ही लैम्डा का टर्म बन रहा है, देखो जरा समझ आ रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसका जो भी सम ऑफ रूट्स आने वाला है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब जो भी है, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि सम ऑफ रूट्स खाली इस टर्म के कारण मिलेगा, बताता हूँ हाँ ना। इसी में लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब आ रहा है, बाकी सब जगह पे लीनियर बच रहा है। तो कैन आई से दी दिस एंटायर डायगोनल सम्स का जो प्रोडक्ट है, डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है, इसी में लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा क्यूब बन रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। बाकी सब में जो भी डिग्री टर्म्स बन रही हैं, यस सर, सम ऑफ रूट्स इज ओनली डिटरमाइंड बाय दिस प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा क्यूब। तो दिख रहा है लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन, और लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बोलो, इफ यू वर टू ओपन दिस, दिख रहा है, यस सर, तो वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर बन रहा है कि नहीं, बताओ।
ओके यस सर. तो ये हो गया आपका बेसिक दो प्रॉपर्टीज का एनालिसिस. समझा तो समझा, नहीं तो जाने दो. प्रॉपर्टी याद रखना, बस प्रॉपर्टी याद रखना. ये तो ऐसे मैंने जबरदस्ती एक्सप्लेन किया. प्रॉपर्टी याद रखना कि भैया एक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसका अपन को दो चीजें पता होता है. तो बेसिकली अपन ये भी बोल सकते हैं, पता है. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसे 3x3 मान लो, इफ इफ ए इज 3x3 देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज लैम्डा क्यूब माइनस एस टू. अभी अननोन है, अभी एस टू पे कमेंट नहीं कर सकते. कितने बच्चों को समझा? बोलो बे. यस सर. समझा? यस सर. एक्स क्यूब माइनस ये सम ऑफ द रूट्स रहता है ना ट्रेस ऑफ ए, तो इसको मैंने ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा स्क्वायर लिख दिया. और ये वाला मुझे पता नहीं है अभी, इनटू लैम्डा माइनस ए. और बेसिकली कंक्लूजन, लैम्डा को ए सेटिस्फाई करता है ना. ये तो यहाँ पे हक दिया, सॉरी यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ आई आएगा. जब आप मैट्रिक्स पुट करोगे तब आई आ जाएगा. ये समझते हो? बोलो. ऐसा टाइप का आप कर सकते हो हमेशा, ऐसा टाइप का आप हमेशा कर सकते हो. तो इसको लिख लो, ये थोड़ा काम की चीज है. एक क्वेश्चन दूं इस पे, क्वेश्चन दूं? चलो ठीक है. yes, इसको लिख लो, मैं क्वेश्चन देता हूँ. बट ये क्वेश्चन आसान नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, आसान नहीं है. दिस क्वेश्चन इज नॉट ईजी. देखते हैं चलो कितने बच्चे ट्राई कर पाते हैं. If A and B 3x3, then find trace of AB minus BA cube all divided by determinant of AB minus BA. लैम्डा के बदले A क्यों नहीं लिखा पूरा इक्वेशन में? अरे सॉरी लैम्डा, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी. बाकी लोग ध्यान तो दो. ऑफ कोर्स लैम्डा की जगह पूरी जगह पे ए लिखा था, ठीक है ना? यस यस सर. चलो तो ये थोड़ा सा, वैसे थोड़ा सा सिलेबस के बाहर जा रहे हैं अपन, बट ये काम का बहुत है, ये काम का बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. ये थोड़ा सा सिलेबस के बाहर है आई नो, बट ये बहुत काम का, बहुत जगह इसको देखते रहेंगे. तो जितना मुझे लगता है कि काम आ सकता है उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा. आशुतोष सही बोल रहे हो, बट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. आशुतोष ये देखो, आशुतोष ये दिख रहा है? मतलब थोड़ा सही बोले हो, बट वो राइट नाउ इट्स नॉट एप्लीकेबल. दैट इज यूजेबल ऑफकोर्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो यूज करोगे, बट स्टार्ट कहां से करें? सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. ए बी हैव टू बी डिस्टिंक्ट, ऑब्वियसली ऑब्वियसली. That is, I think, understood. A or B different matrices हैं.
हिंट चाहिए हो तो बताना। We need equation whose root is AB minus BA matrix. वैसे सही बोल रहे हो। तो निश्चित हमें by default किसी भी matrix की equation पता होती क्या? एक equation तो पता ही है। You take any matrix whatsoever, we know one equation. You take any matrix whatsoever, you know one equation. आइडियाज एनीवन? कैन यू वेट फॉर अ मिनट? अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है बढ़िया। मेरे को लगा बच्चे एकदम ब्लैंक हो गए। वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काइंड ऑफ मुझे करना ही पड़ेगा, बट अगर किसी का आ जाता है तो फिर मतलब बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कर दो चलो एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। लेट कैपिटल एक्स बी दिस मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए। तो कैपिटल एक्स एक 3x3 मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए इज वेरी लाइक मिसलीडिंग, तो उसको कैपिटल एक्स बोल दो। अब सोचो क्या 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 कर सकते हैं इसमें।
आशुतोष क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो वेरीफाई कर लेना, बट यू आर एबल, इफ यू आर एबल टू जेन्युइनली सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का आंसर आ गया है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, नॉट रियली, नो स्मिथ, नॉट एग्जैक्टली। क्या फाइंड करना है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो दिस इज लाइक वैसा वाला क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिया है, लिटरली जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। ए एंड बी 3x3 मैट्रिसेस हैं, आपको कुछ नहीं दिया हुआ मैट्रिसेस के बारे में, तब भी ये वाली वैल्यू आ सकती है समहाउ, एंड दिस वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर वो लैम्डा की इक्वेशन में ए बी माइनस बी ए पुट करके सॉल्व कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट, बट उसकी जगह ए बी माइनस बी ए होल क्यूब डालना बेटर होगा। नहीं, बोलो क्या करें सर, मेरे को आंसर एस टू के टर्म्स में आ रहा है, पर वो तो करेक्ट नहीं, एस टू के टर्म्स में नहीं आएगा, तुमने कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक करी होगी, एस टू का टर्म आएगा ही नहीं इसमें, लेट अस सी व्हाई। बताओ हाँ आशुतोष सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त। चलो मुझे बताओ ए बी माइनस बी ए का क्यूब, तो जैसे तो मैं ए बी माइनस बी ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब कहाँ पर मिलता है हमें बच्चों, एक्स का क्यूब कहाँ मिलेगा, इफ एक्स इज 3x3, इफ एक्स इज फर्स्ट टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यस, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे टाइप की हो जाएगी बच्चों जल्दी बताओ, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ एक्स है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इस टर्म के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, बोलो बे हाँ या ना, यस सर, इसमें किसके बारे में कमेंट कर सकते हैं अभी बोलो, वी कैन मेक अ कमेंट ऑन वन ऑफ दिस टर्म्स विच इज व्हाट, किस टर्म के बारे में कमेंट कर सकते हैं अभी, वन नहीं है मानवी, थ्री आंसर है, इधर एक चीज पे कमेंट कर सकते हैं, बताओ किस पे, बोलो बोलो, हाँ या ना, ट्रेस ऑफ एक्स एक्चुअली जीरो है, हाँ या ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बचाइए, अब क्या करूं, बताओ अब क्या करूं, मुझे ये चाहिए, बोलो एनीवन, सर ट्रेस ऑफ एक्स आपने जीरो कैसे इंटरप्रेट किया, यस सेम डाउट, अबे लिखा तो है पढ़ो ना, ये मतलब ये, इसका मतलब ये पता है हाँ या ना, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, हाँ या ना, ओके सर, एंड ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी है, ये भी मैंने कराया है क्लास में, ट्रेस ऑफ ए बी को ट्रेस ऑफ बी, ये दोनों कैंसिल होके जीरो हो गए, सीधी बात। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना बाकी है बच्चों, सर ए बी माइनस बी सर डिटरमिनेंट एक्स की वैल्यू निकालोगे, ये समझा, बोलो अगर ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस जीरो होगा कि नहीं, बताओ, यस, बट ट्रेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी प्लस ट्रेस सी, अरे डेक्स ना सर, डिटरमिनेंट एक्स इंटू आई, यहां तक क्लियर है, ट्रेस ऑफ के इंटू ए क्या होता है बच्चों, के इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, के टाइम्स ट्रेस, तो कितने बच्चों को समझा, एस टू, एस टू बाहर आ जाएगा, यस सर, एस टू इज नॉट अ मैट्रिक्स, एस टू तो वो था कोफिशिएंट था, ये तो कोफिशिएंट था, समझ पा रहे हो,
तो वो तो बाहर आ जाएगा माइनस डिटरमिनेंट एक्स भी एक वैल्यू है क्या बच रहा है आंसर बोलो व्हाट इज ट्रेस ऑफ आई थ्री बी विज्ञान सर तो सुपर एंड अ ब्यूटीफुली डिजाइंड क्वेश्चन सुपर एंड अ ब्यूटीफुली डिजाइंड क्वेश्चन ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वेरी 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 गुड क्वेश्चन कॉपी कर लो ठीक है डन बच्चों वेट सर वेट सर ओके Yes. चलो तो नेक्स्ट पार्ट क्या देखो नेक्स्ट पार्ट भी कहीं कहीं यूज होता हुआ देखा है मैंने तो मैं बता देता हूँ ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है और जितना बता रहा हूँ उतने ही प्लीज समझना मतलब और इस पे ज्यादा अगर ऐसे क्यूरियस हो जाओगे तो फिर पोपट हो जाएगा ज्यादा क्यूरियस नहीं होना बेसिकली मैं बस खाली आइगन वैल्यू डिस्कस करना चाहता हूँ आइगन वेक्टर का हमारे लिए कोई काम नहीं है इनफैक्ट मैं हटाई देता हूँ ना मैं क्यों जबरदस्ती आइगन वेक्टर का कोई काम नहीं है आइगन वैल्यू देखो कहाँ से आता है क्या आता है तो एक बस डेफिनेशन बता रहा हूँ वो डेफिनेशन आपको अच्छे से रटनी चाहिए डेफिनेशन अच्छे से रटनी चाहिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलराइट इफ देयर एग्जिस्ट of course non-null column matrix capital X such that A into X is lambda into X where lambda is a real or scalar quantity lambda real बोलो चाहे scalar बोलो दोनों का right now meaning same है ठीक है then lambda is called the eigenvalue of A and the corresponding capital X matrix is called
आइगन वेक्टर, ऑलराइट। तो आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना आइगन वेक्टर वाला, पहली बात तो इग्नोर कर दो, मैं बस कंप्लीशन ऑफ डेफिनेशन के कारण लिख रहा हूं। सबसे क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और ऐसा कोई एक कॉलम मैट्रिक्स मिल जाए मुझे x, such that ax is technically just lambda x, all right, such that ax is just technically lambda x, then lambda को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ a, then lambda को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ a, all right। तो जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज ही किया था वो जे वाला सम, तो इसमें भी 30 into 1 1। हाँ हाँ, उसको इससे कर सकते थे बट उसको इंडिपेंडेंटली भी कर सकते थे, इसलिए मैंने, जब मैंने ये कराया नहीं था तो इसलिए उसको इंडिपेंडेंटली कर दिया, बट टेक्निकली वो यही था, टेक्निकली वही था। तो रुको मैं बता रहा हूँ, ए इंटू दिस मतलब ए मान लो ये है, एक कॉलम मेट्रिक्स ले लेता हूँ 1 into 1, ठीक है। तो मैंने बाय नी चांस ये बताया था क्या कि मेट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो चीजें ट्रांसफॉर्म होती है, मैंने ऐसा बताया था क्या? रोटेशन और बड़े बात, बहुत सारी चीजें, एक खाली रोटेशन नहीं होता है, मेनी ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। तो मान लो ए ये है, ए मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स एक्स लेता हूँ, तो कितने बच्चों को दिख रहा है ए इंटू एक्स क्या बन जाएगा बताओ बच्चों, 5 + 1 3 + 3 बोलो, बोलो, समझा? तो a into x became 6x, a into x became 6x, that means 6 is eigen value, 6 is an eigen value of a, 6 is an eigen value of a, चलेगा क्या? तो actually इसका बहुत अच्छा यूज होता है, मतलब इसमें ग्राफिक्स में इसका बहुत अच्छा यूज होता है, ये एक्चुअली वैसी टाइप की चीजें होती है जब तुम ट्रांसफॉर्म करते हो ना चीजों को बच्चों, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स। तो जैसे मैं ऐसा कोई सा भी एक पॉइंटर ले लेता हूँ, कोई सा भी एक वेक्टर ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, तो अभी जो एक्स कॉमा वाई को पॉइंट कर रहा है वेक्टर, आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स व्हाट, 5x + y, 3x + 3y, हाँ या ना बोलो। तो हर जो अभी पॉइंट था, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, वो कुछ ट्रांसफॉर्म होके कहीं और जंप कर जाएगा, समझ रहे हो? एवरी पॉइंट इन द स्पेस विल ट्रांसफॉर्म। तो कुछ एक डायग्राम अभी बना हुआ है, वो डायग्राम ट्रांसफॉर्म होके कुछ और बन जाएगा, वी डोंट नो ट्रांसफॉर्मेशन, बट इतना फीलिंग आ रहा है थोड़ा बहुत। एवरी एक्स कॉमा वाई इफ यू मल्टीप्लाई देन इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग लाइक दिस, एक नया कोऑर्डिनेट बन रहा है ना, तो हर कोऑर्डिनेट जंप कर जाएगा, तो एवरी डायग्राम विल ऑल्सो जंप, यस और नो? थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा सब में, बोलो बच्चो, yes, कुछ रोटेशन टाइप हो जाएगा और कुछ भी, वॉट एवर इट इज, बट कुछ कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे खाली क्या आता है, लेंथ चेंज, दे डू नॉट रोटेट और एनीथिंग। तो ध्यान से देखो, जैसे ये मैंने 1, 1 वेक्टर लिया, तो ए का 1, 1 में मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला, 6 × 1, 1। तो ऐसा एक वेक्टर है, जैसे जैसे ये जंप करके यहां पहुंच जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, सारे वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बट कुछ वेक्टर्स खाली क्या होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं, खाली मतलब इसके अलॉन्ग स्ट्रेच हो गया, तो 1, 1 वेक्टर बिकेम 6, 6, तो डायरेक्शन चेंज नहीं बट इसके अलॉन्ग स्ट्रेच हो गया, ऐसा टाइप का, ओके? तो ये उस जगह बहुत काम आता है, बट हम मैं फिर जबरदस्ती बाहर निकल रहा हूँ, बट हमें उसका कोई काम नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का, जस्ट ऐसे आइडिया दे रहा था। तो ये जो ये वाले जो वैक्टर्स जो डायरेक्शन चेंज नहीं करते उनको आइगन वैक्टर बोलते हैं, एंड ये जो करिस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी वो छोड़ के अभी ये बताओ ये चलेगा क्या इतना, दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, ये काम का है, ax इक्वल्स टू लैम्डा x, ये काम का है। अगर ax इक्वल्स टू लैम्डा x है तो लैम्डा को बोलते हैं आइगन वैल्यू ऑफ a, इज दिस ओके, इज दिस ओके, बोलो। आई हैव अ डाउट, बोलो। a में 5, 1, 3, 3 लिया, इफ इट वाज 5, 7, 3, 3 वी वुडंट गेट लाइक अ लैम्डा, राइट? Yes, exactly, exactly. In fact, इसी example में मान ले तूने A matrix को fix कर दिया, तो every matrix means some sort of transformation. But if you took original vector as 1, 2, तो 5 + 2, 7 बन जाता, and 3 + 6, 9 बन जाता, तो 1, 2 changed the direction, yes or no?
वन कॉमा टू बिकेम सेवन कॉमा नाइन, तो उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो ये आइगन वेक्टर नहीं है. तो आई एम नॉट सेइंग कि एवरी फॉर एवरी एक्स यू विल गेट एक्स ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. देयर आर सर्टेन एक्स कॉलम मैट्रिसेस जिनके लिए ये हो जाए. ओके, तो वन कॉमा वन बस वन सच एग्जाम्पल, वन कॉमा वन बस वन सच एग्जाम्पल. ठीक है, ठीक है, चलो. तो आई वाज सेइंग ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स और ये तो जबरदस्ती एग्जाम्पल दिया, कोई काम का नहीं था. क्रक्स ये है, देखो the eigen values of a square matrix are actually the roots of our characteristic equation. Okay, what is the advantage sir, of eigen values of a matlab nahi samjha are just this lambda matrix na humne to column matrix ke liye eigen values bola tha hai. अबे ए का आइगन वैल्यू बोलाएगा, ए इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स से करेस्पोंडिंग ये वाला आइगन वैल्यू आ रहा है और कुछ वेक्टर्स आ रहे हैं एक्स टाइप पे, बस और कुछ नहीं. तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स लिमिटेड होंगे राइट? नंबर ऑफ ऑफ कोर्स वो भी कितने लिमिटेड होंगे, वही तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ. जयशंकर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा. फालतू का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप. निशिम ये और भी मेथड्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब इवेंचुअली सब कुछ मैट्रिसेस, इफ इट्स लाइक एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड विद मैट्रिसेस, सो दैट्स व्हाई मैट्रिसेस इज देयर. और भी मेथड मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? चलो, तो आइगन वैल्यूज, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. यस हरी, वेरी गुड. चलो, ये जो है The eigen values of square matrix A are actually roots of our characteristic equation. अगर मैंने ये क्लेम कर दिया तो अब बताओ कितना eigen values हो गए? अगर जितना डिग्री ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है ना, तो बस सीधी सी बात. तो अभी ये काम की चीज है, बाकी सब इधर उधर की बातें मत करो, फिर बोल रहा हूँ मैं. तो ये ए एक्स इक्वल टू लैमडा एक्स है, तो देखो इसका प्रूफ भी दे देता हूँ, बड़ी सिंपल सी प्रूफ है इसकी. ए एक्स इक्वल टू लैमडा एक्स, तो अपन ने लैमडा का eigen value क्लेम करा था ना, ठीक है. That implies A minus lambda I into X is null matrix, yes or no? कितने बच्चों समझ आ रहा है? If A minus lambda I का डब्बा is non-zero, it would in short give us X is null matrix, but given A X is not null, that implies A minus lambda I का डब्बा has to be zero. Contradiction आ रहा है, बताओ? Yes sir. Contradiction हो गया बच्चों ये. ए माइनस लैम्डा आई का डब्बा जीरो होना पड़ेगा. तो लैम्डा अगर आइगन वैल्यू था, सिंस लैम्डा आइगन वैल्यू, देन ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स होना चाहिए, देन ए माइनस लैम्डा आई का डब्बा जीरो होना चाहिए. तो आइगन वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सीधी बात. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को ही आइगन वैल्यूज बोला जाता है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है. तो अब अपन इसको लिंक करके और क्वेश्चन बना सकते हैं, बट आई होप इतना समझो. इसको लिखो, इतना कॉपी करो, आपको याद क्या रखना है? ए एक्स इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स अगर बन रहा है, देन दैट कॉन्स्टेंट इज द आइगन वैल्यू, ठीक है. देन दैट कॉन्स्टेंट इज द आइगन वैल्यू. तो आइगन वैल्यूज कैन बी रियल, कैन बी इमेजिनरी, कुछ भी आ सकता है, वो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे डिपेंड करेगा. ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये याद रखना है. तो
तो किसी भी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू मतलब m इनटू सम स्क्वायर मैट्रिक्स x, अगर लैम्डा टाइम्स सॉरी m इनटू कॉलम मैट्रिक्स x इज लैम्डा टाइम्स कॉलम मैट्रिक्स x, तो m का आइगन वैल्यू लैम्डा कहलाता है। तो देखते हैं चलो किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इस पे। तो जो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल किया था बच्चों वो जेई वाला सम कितने बच्चों को दिख रहा है, एक सेकंड रुको स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। ये देखो अपना ये आया था बच्चों एक्स इंटू वन 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 इज 30 टाइम्स 111, तो इसका मतलब है एक्स मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 30 था। उसने वो आइगन वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा था, इवन दैट कैन बी एक्सप्लेन विदाउट दिस ऑल्सो बट काइंड ऑफ था ठीक है। चलो इसका पूछो इसका लिखो इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करेगा ना, इसलिए x minus 30 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 भी था। यस एग्जैक्टली, वहां से डायरेक्टली क्लेम कर सकते थे कि सिंस वी आर गेटिंग x into this 111 इज आल्सो 30 टाइम्स 111, तो ऐसा दिख रहा है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू कॉलम मैट्रिक्स इज जस्ट कांस्टेंट टाइम्स द सेम कॉलम मैट्रिक्स, तो 30 उसका आइगन वैल्यू हो गया, तो 30 आइगन वैल्यू हो गया तो x माइनस 30i का डब्बा जीरो होगा क्योंकि आइगन वैल्यू सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो लैम्डा की जगह 30 पहल दो आंसर। समझ आ रही है मेरी बातें? सर एक डाउट है। बोलिए। सर कॉलम मैट्रिक्स होना जरूरी क्यों है? वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लाइक दैट्स अ डेफिनेशन राइट, बिकॉज़ लाइक 3x2 मैट्रिक्स लेके भी आ सकता है ना। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कॉलम मैट्रिक्स। मैं कॉलम मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यार, तुम आगे की बातें क्यों पूछ रहे हो? मैं वो बता रहा हूँ जो हमारे काम का है। ऑफ कोर्स नॉन कॉलम मैट्रिक्स भी बन सकता है। ओके सर, मैं कॉलम मैट्रिक्स बना रहा हूँ। यार स्क्रॉल डाउन, हम तो बस ये देख रहे हैं कि एक वेक्टर लिया है, एक वेक्टर and it didn't rotate or transform, just खाली length वो हो गया, तो इसका मतलब है ये वाला vector है। तुम usually at a time एक ही vector लोगे, ax equals to lambda x, at a time एक ही x vector आएगा, क्योंकि ऐसा है ना, तुम्हें eigen value मिला, तो उसके corresponding eigen vector के लिए तुम्हें ये equation लिखनी पड़ेगी। ये तो मैंने example ऐसा लिया है, but तुम्हें हर matrix का, ये एक matrix है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे पता है? आप निकालोगे आइगन वैल्यू। कैसे निकालोगे? 5 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 1 3, ये डब्बा जीरो रखोगे तो इसके रूट्स आइगन वैल्यूज आ जाएंगे, और वंस यू गेट आइगन वैल्यूज उसके बाद आइगन वेक्टर निकलेगा, ये वाला कॉलम मैट्रिक्स ये निकलेगा। तो वो सही लिखा है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज द वे, मतलब ऐसा। बट अभी उस पर नहीं जा रहा मैं, अभी इतना लिख लो। चल मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, तब तक सोचना। यूज दिस वेल, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो यूज दिस वेल, इसको अच्छे से यूज करना। सर आइगन वैल्यू निकालने का मतलब एडवांटेज क्या, मुझे नहीं समझ। लेट्स जस्ट से हमें क्वेश्चंस में काम आएगा और कुछ नहीं। सिमिलर से पूछेंगे कि आइगन वैल्यू क्या है, इक्वेशन कैसा कोई पूछेगा? हाईली अनलाइकली, बट अगर पूछ भी ले तो प्रॉब्लम क्या है? कैन वी नॉट फाइंड आइगन वैल्यू? क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ नहीं सर, वो मेथड समझ गया मैं ऐसे ही पूछा था, मतलब उसका कुछ ऐसा मेथड टाइप है, एडवांटेज है, मतलब कि सम पर्टिकुलर टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए ऐसा पूछा। तो मैं सम देता हूँ ना, सम पे देखते हैं अपन। यस ऑफ कोर्स एडवांटेज है, इट हेल्प्स अस सॉल्विंग इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, हो गया सीधी बात, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है और कुछ नहीं। इफ ए एन क्रॉस एन हैज आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा एन, मैंने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कराए, देन कमेंट ऑन, लेट्स सी, यूज द डेफिनेशन आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या है, ए इनवर्स
वो भी एक मैट्रिक्स है तो उसका भी कुछ आइगन वैल्यूज होगा. एडजॉइंट ऑफ ए एंड लेट्स से ए क्यूब. और एक और क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर रहा हूं मैं, एक सेकंड सोचने दो क्या क्वेश्चन है. वेरी गुड हरी, बहुत ही बढ़िया. आई थिंक ये बहुत आसान है. देखते हैं चलो. फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोचो बच्चों, अगर उसके आइगन वैल्यूज ऐसे हैं, ए के आइगन वैल्यूज गिवन है, तो सोचो क्या कमेंट कर सकते हैं. इफ लैम्डा आई इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो क्या बोलते हैं अपन, अगर आइगन वैल्यू ऑफ ए लैम्डा आई है, दैट इंप्लाइज ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स फॉर सम नॉन नल मैट्रिक्स एक्स, नॉन नल कॉलम मैट्रिक्स एक्स, यस और नो, ये होना चाहिए. अब सोचो किसके आइगन वैल्यूज निकालने. यस हरी सही है. अब बताओ किसका आइगन वैल्यूज निकालना. इनवर्स का आइगन वैल्यूज निकालना, तो इनवर्स एक्स शुड बी सम कांस्टेंट इनटू एक्स, ऐसा बनना चाहिए. व्हाट कमेंट कैन वी मेक हियर, बोलो. A inverse into x equals to some constant into x बनना चाहिए. Very good निशित, सही है. क्या कर सकते हैं बच्चों बताओ इधर. Ax equals to lambda into x दिया हो. And I want to comment on A inverse x equals to some constant into x. क्या करा जाए. सही है आशुतोष, मानवी, very good. Good, good, good. यहाँ पे इस equation में क्या किया जाए बच्चों, यही करना है अपन को, जो भी manipulation करना है. Tell me. जय शंकर, वेरी गुड. थोड़ा सा गलत लिखा है निशिम तूने. धृति, प्रजेश, सबका सही है. सो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. वेरी गुड. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन पे ध्यान दो. तो ए इनवर्स इनटू ए एक्स इज लैम्डा ही तो कांस्टेंट है, ए इनवर्स इनटू एक्स हो जाएगा, है ना. बट ये लिख दूं क्या डायरेक्टली, ए इनवर्स और ए साथ में बन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएंगे. आई इंटू एक्स इज एक्स, तो लैम्डा आई इंटू ए इनवर्स एक्स. तो कितने बच्चों समझा डेफिनेशन क्या बोलता है भैया. ए इनवर्स एक्स इज कॉन्स्टेंट इंटू एक्स लिखो. तो कितने बच्चों समझा कि इसका आइगन वैल्यूज क्या हो गए देन. अगर लैम्डा आई उसका आइगन वैल्यू था तो वन बाय लैम्डा इसका आइगन वैल्यू. हेंस आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर बच्चों नेक्स्ट वाला ट्राई करो. वो ए इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ ए के टर्म्स में लिख दो, चलेगा चलेगा चलेगा. या फिर उसी में दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दो, वो सेम ही बात है. शार्बिल वेरी गुड, धृति सही है, आशुतोष सही है. सर एक बार सेकंड सब पार्ट डिफाइन करो.
सेकंड एक सेकंड क्या देखना था देख लो ओके वेरी गुड कृष्णा सही है चलो समझ गया ax equals to lambda x तो दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करोगे एडजॉइंट है ना दोनों साइड एडजॉइंट है एडजॉइंट इनटू ए क्या होता है डिटरमिनेंट आई है ना और यहाँ पे क्या होता है एडजॉइंट ए इनटू एक्स कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे ऐसा तो आई इनटू एक्स तो एक्स बच जाएगा लैम्डा को धीमे से सरका दो तो एडजॉइंट ए इनटू द वेक्टर एक्स इज आल्सो डिटरमिनेंट ए बाय लैम्डा डिटरमिनेंट ए बाय लैम्डा एक्स ठीक है तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि एडजॉइंट ए के आइगन वैल्यूज क्या हो गए एडजॉइंट ए के आइगन वैल्यूज क्या हो गए डिटरमिनेंट ए बाय लैम्डा 1 कॉमा डिटरमिनेंट ए बाय लैम्डा 2 कॉमा डॉट 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 डिटरमिनेंट ए बाय लैम्डा एन दिस ओके और तीसरा वाला आंसर Where did I go? अंश I into X I होता है ना क्या यार कैसी बातें पूछ रहा है यार आशुतोष वेरी गुड सही है हरी सही है प्रजस सही है ब्रायन जे सब सही है तो चलो कर ही देता हूँ जबरदस्ती माहौल नहीं बनाते हैं फोकट तो दिख रहा है नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स तो वॉट आर वी सपोज टू डू ए स्क्वायर एक्स इज लैम्डा ए एक्स यस और नो But AX is also given by lambda X. समझ गया ना AX is lambda X. ने लिख ही देता हूँ नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि डायरेक्टली कैसे लिखते हैं AX is lambda X. तो इसका मतलब है A square X is lambda square X. तो A square का आइगन वैल्यूज क्या हो गया बच्चों है ना करूँ समझाओ कि लाइक दिख गया डॉट 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 तो कितने बच्चों समझ रहे हैं कि a रेस टू n के आइगन वैल्यूज क्या होंगे जल्दी बोलो बे लैम्डा रेस टू n ठीक है दिख रहा है तो मुझे एक काम करो अब ये क्वेश्चन करके बताओ सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है ना ये नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन टू अगर ए इज अ मैट्रिक्स गिवन बाय दिस देन ट्रेस ऑफ ए रेज टू 10 क्या होएगा वेरी गुड जय बहुत ही बढ़िया यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जाए हाँ तो क्या है आशुतोष निकालो ना
क्या करेंगे बताओ सर, एक मिनट बिल्कुल भी नहीं, x क्या है इसमें, बिल्कुल भी नहीं, a माइनस लैम्डा i से लैम्डा निकाल दो, a माइनस लैम्डा i से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ax इक्वल टू लैम्डा x से x आता है, लैम्डा अलग तरीके से आता है, अपन को तो लैम्डा चाहिए, क्या करें बताओ सर, सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब बहुत इजी था इसका डब्बा तो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे आसान था, हां मतलब बाकी सब जीरो हो जाएगा, एक ही बात, हां एक ही खाली क्या बच रहा है बताओ, 1 - λ - λ - λ, हां मैं लैम्डा माइनस 1 लिख रहा हूं, चलेगा ना क्योंकि एनीवे राइट साइड में जीरो है वो तो अंडरस्टूड है, तो दिस इनटू दिस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 प्लस 6 बोलो ये बन रहा है, तो मैं इसको ओपन करूंगी यहीं पे, अपना काम बन गया हो गए है ना, तो मुझे पता है इसके आइगन वैल्यूज क्या रहे, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ओपन नहीं करो, इनफैक्ट फैक्टराइज दी है, कितने बच्चों को देख रहा है 1 2 3, तो इसके आइगन वैल्यूज ये हैं, तो अगर ए के आइगन वैल्यूज 1 2 3 हैं, 1 2 एंड 3, तो मुझे बताओ ए रेज टू 10 के आइगन वैल्यूज क्या हुए, 1 रेज टू 10, 2 रेज टू 10, 2 रेज टू 10, 3, तो मुझे बताओ ट्रेस ऑफ ए 10 क्या होता है, ट्रेस ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो गिवन बाय, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट्स मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू, समझा जीरा, नहीं नहीं चले कि चले बच्चों, चले नहीं चले सर, चले सर बिल्कुल, सो और एक दो क्वेश्चन दे सकता हूँ, बट मैंने जितना मैं मुझे लगता था मैंने अच्छे से समझा दिया, जितना मुझे लगता था कि इतना तक का आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं यू विल गेट टू सी दिस मच पार्ट, तो मैंने करा दिया, ठीक है, ये मेंस लेवल का, अब भाई साहब ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, इनफैक्ट ये इतना एक्सप्लिसिटली बेस्ड है आइगन वैल्यूज पे कि आप इसको बिना आइगन वैल्यूज के करते तो शायद मुश्किल हो जाता, बिना आइगन वैल्यूज के करते तो मुश्किल हो जाता, ठीक है, चलो मैं और क्वेश्चन देता हूँ, बट अभी नहीं करता हूँ, पहले मैं आई एम प्लानिंग टू रैप दिस अप, आज खत्म ही कर देते हैं, ठीक है, अपना कुछ बचा नहीं है, बहुत ही फुद्दू फुद्दू चीजें बाकी हैं, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, बट यू ट्राई दिस क्वेश्चन सेट होम, वैसे भी ये 5-5 मिनट के क्वेश्चन नहीं है, आप 5 मिनट में तो होंगे भी नहीं, ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर शायद नहीं दिया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आपको, एक ये ट्राई करना, दिस इज नॉट नेसेसरली डिपेंडेंट अपॉन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के भी सॉल्व होता है, तो आप, मैं तो बोलूंगा बिना आइगन वैल्यू के सॉल्व करना है, अभी करना है ना सर, नहीं नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं हो पाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट जस्ट लाइक दैट, टाइम कंज्यूमिंग समय, सर आप एक बार वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर ए की पावर 10 ये सब है तो ट्रेस ऑफ ए की पावर 10 आपने कैसे लिखी है, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होता है ये बता सोच के, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सोच के बता क्या होता है, मैंने कहीं लिखाया है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कहां मेंशन किया आज, अरे देखना मेरे भाई इतना क्या सोच रहे हैं, yes. सम ऑफ रूट्स इज ट्रेस है, और रूट्स तो आइगन वैल्यूज हैं, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ट्रेस है, खत्म, ओके ओके अंडरस्टूड, चलो एक ये क्वेश्चन हो गया, ये रहा क्वेश्चन 1 पार्ट 2, अच्छा क्वेश्चन 1 पार्ट 2, एक सेकंड देख लो क्या करना है,
फोटो सेशन करना है। सो वरना ए इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, अरे वो सब सब चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। चलो ये वाला और एक नेक्स्ट एक और दे देता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा जहरीला सम है, काफी ज्यादा जहरीला सम है, तो अगर नहीं आए तो डिमोरलाइज मत होना, इट इज बाउंड टू बी लाइक दैट। So that is n cross n, right? Ampersand? N cross n है ना वो matrix. 4 cross 4, 4 cross 4. अच्छा sorry. चलो ये दोनों क्वेश्चन आराम से ट्राई करना, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन आराम से घर पे ट्राई करना। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं, कुछ 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 मेरे को छोटी छोटी बातें बढ़ा के रैप करना है इसको, तो रैप कर देता हूँ, शायद आज रैप हो जाए अच्छे से। सर वो हाँ A4x4 के बगल में आपने क्या लिखा है? डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो। नहीं नहीं सर, एंड लेफ्ट साइड में, एंड ठीक है सर। A4x4 मैट्रिक्स है, उसका डब्बा नॉन जीरो है, सब दैट ट्रेस ऑफ A0, तो इवैल्यूएट दिस वैल्यू, ऐसे वैल्यू निकालना। Sir, if A4x4 and determinant A is not equal to 0, right? हाँ, अच्छा ये पूछ रहा था, if चलो तो मैं actually ये जो operations बता रहा हूँ, मुझे actually JE में तो इसका कोई use नहीं है, this is useless from JE's perspective. जेई के पर्सपेक्टिव से ये सुपर डुपर यूजलेस है, तो मैं यूजली ये स्किप भी कर देता हूँ कभी कभार, मैं यूजली ये कभी कभी स्किप भी कर देता हूँ, बताते ही नहीं हूँ मैं कभी कभी, बट ये बोर्ड्स में आ जाता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा, तो चुपचाप सुन लो बस, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, तो चुपचाप सुन लो, थोड़ा ऊपर ऊपर से फील ले लो, और जब क्रक्स ऑफ मतलब कंक्लूजन जब आएगा ना, तब कंक्लूजन याद रखना, कंक्लूजन याद रखना। तो चलो मान लो ऐसे करके आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल रहे हैं इसके। सर क्यों स्टैंडर्ड गिरा रहे हो बोर्ड्स का नाम लेके? नहीं नहीं बोर्ड्स में आएगा ये, बिल्कुल बोर्ड्स में आएगा ये, देखो ना मैं जो बता रहा हूँ, ऑपरेशन करके आपको बोर्ड्स में आएगा, एक्स प्लस 2y 3 एंड 3x + 4y 5। तो सिस्टम को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टम कैन ऑल्सो बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, वेयर कैपिटल ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कैपिटल बी इज द कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स, एंड कैपिटल एक्स इज द वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स, ठीक है। मैं अपनी खुशी के लिए बस एक 2x2 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट यू कैन डू दिस फॉर 3x3 ऑल्सो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, बट मेरे लिए लिखने में आसान होगा इसलिए मैं 2x2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ऐसा। तो कितने बच्चों चलेगा, मैंने जो लिखा है मेट्रिक्स प्रोडक्ट AX = B, सही लिखा है कि नहीं बताओ, AX = B, तो ए इंटू एक्स बताओ क्या बनेगा, 1 x + 2 y, और जब उसको बी से इक्वेट करोगे तो 3 आ जाएगा ना, बोलो ये इक्वेशन बन रही है, उसके बाद 3 x + 4 y, जब b से इक्वेट करोगे तो 5 के बराबर आ जाएगा, तो दिस इज परफेक्ट, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी कभी अपन क्या करते हैं, समटाइम्स बस चुपचाप सुनते जाओ, कुछ ज्यादा सवाल मत करना, सुनते जाओ बस, समटाइम्स वी ऑल्सो राइट द सिस्टम इन अ सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म, ये हमारे बीच की बात है, वैसी बात कर रहा हूँ कि हमारे बीच की बात है, इन अ सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म एस सी इज अ मैट्रिक्स, ए और बी साथ में ही बना के एक मैट्रिक्स में लिख दो, इसको अपन बोलते हैं ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, तो जाके काम आता है रैंक वैंक निकालने में, रैंक वैंक बट मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ, तो
बीच में ही छोड़ रहा हूँ, मतलब ऐसा जो हमारे काम की चीजें उतना एक्सट्रैक्ट कर करके मैं बस बता रहा हूँ। तो कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट शॉर्टर वर्जन ऑफ द एंटायर इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन का शॉर्टर वर्जन, ऐसे करके चलेगा क्या? बोलो सर, डू यू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन? क्या 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 रैंक क्या होता है? बीच में से डंडी बनाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब इंस्टेड ऑफ मैंने पूरा क्या बोल रहा है यार, हेलो हेलो सर, हाँ सर अभी कर क्या रहा मैं समझ नहीं पा रहा, आपने किया क्या यहाँ पे? वॉइस क्रैक हो रहा है। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है बट हाँ मतलब वॉइस क्रैक हो रहा है। हाँ नेट फ्लक्चुएट हो रहा है। एक काम करो, इतना कॉपी करो। इतना कॉपी करो। इतना कॉपी करो, मैं समझाता हूँ, रुको। आवाज आ रही है क्या अभी? ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, चलो ठीक है। अरे सिंपल यार, क्या सोच रहे हो इतना? ये दो इक्वेशंस थी, मैंने बोला इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन आल्सो बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अगर मैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिख दूं, इज इट नॉट सेम एज दोस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली ऐसे कंबाइंड? एक्स प्लस टू वाई, ये मैट्रिक्स बन जाएगा एक्स प्लस टू वाई, ये बन जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई और थ्री फाइव। तो इक्वेट करोगे ना मैट्रिसेस से, तो इक्वेट करके ये इक्वेशंस तो मिल रही है, चलेगा? हाँ सर, हाँ ऑलराइट। अच्छा यूजलेस, ऑफ कोर्स यूजलेस, यूज नहीं, यूजलेस फ्रॉम जेईस पर्सपेक्टिव, बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूँ बस ऐसे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स इक्वल्स टू बी, और हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, हम अपने कन्वीनियंस के लिए उसको एक पूरा सिंगल मैट्रिक्स, समझ रहे हो, ए और बी को एक साथ चिपका के लिख देंगे, चलेगा क्या? इसका इंटरप्रिटेशन डू वी नो, क्या हम इसको इंटरप्रिट कर सकते हैं? हाँ, हमारे बीच की बात है, अपन क्या लिख देंगे इसको, x प्लस टू वाई इक्वल टू ये वाला जो है थ्री, एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू ये वाला जो है फाइव। बोलो चलेगा क्या? बोलो, इतना क्लियर है? मैंने क्या बोला, ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, मतलब लाइक यूजलेस है बट लाइक ऐसे लिखने से लाइक कुछ तो फायदा होगा ना सर? हाँ तो बता रहा हूँ ना, मेरे को कंक्लूड तो करने दे, मैंने कंक्लूड कहाँ करा, अभी मैं बता रहा हूँ। सर पूरा हुआ नहीं कॉपी हो? अच्छा हुआ नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। इस चीज के लिए मैं पूरा बिल्ड कर रहा हूँ, इसके और इसके नेक्स्ट चीज के लिए। Both equations must have same number of variables. मतलब अगर अपन को properly solve करना है तो number of equations और number of variables तो same ही लोगे ना यार, obvious सी बात है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फॉर मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस के लिए भी कुछ रो ऑपरेशन जैसा डिफाइंड है, तो ये थोड़ा सुनते जाना, फिर अगेन सुनते जाओ बस।
चलो सब्ट्रैक्ट अ मल्टीपल ऑफ अ रो फ्रॉम अनदर रो. ये तीन ऑपरेशन डिफाइन किए हैं मैट्राइसेस के लिए, इनको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. तुम दो रोज को इंटरचेंज करो, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई रो बाय कॉन्स्टेंट एंड सब्ट्रैक्ट अ मल्टीपल ऑफ अ रो फ्रॉम अनदर रो. मतलब ये वाला जो अपन लगाते थे ना, आर टू इज आर टू माइनस थ्री आर वन, ये ऐसा टाइप के ऑपरेशन चलेगा क्या? ये तीन ऑपरेशन मैंने डिफाइन करे फिलहाल. क्या तीन ऑपरेशन पढ़ने को हो रहे हैं? वही ऑपरेशन जो अपन डिटरमिनेंट्स में करते थे, वही ऑपरेशन. सब्ट्रैक्ट अ मल्टीपल ऑफ अ रो फ्रॉम अनदर रो. ठीक है, तो जैसे सुनते जाना, अभी भी सुनते जाना. तो कंसिडर अ मैट्रिक्स 1 2 3 4. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये हमारे आपस की बात है. ये टेक्निकली ऑन टेक्निकल टर्म्स ये पूरा गलत ही कर रहा हूँ मैं. टेक्निकल ग्राउंड्स पे आई एम डूइंग इट रॉन्ग, मतलब ये पूरा गलत है, बट मैं समझाता हूँ. ये तो हमारे बीच की बात है ना, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं. देखते जाओ, मैंने क्या करा, आर टू इज आर टू माइनस थ्री आर वन, मैंने ये करा. अपन क्या करते थे याद आ रहा है? जीरो ही तो बनाते थे, तो इसमें से थ्री टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचेगा, जल्दी बताओ. बोलो भाई, ये बचेगा? कितने बच्चों को दिख रहा है? इसमें तो सर आपने पूरा खुद ही को कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया. स्टार्टिंग से क्या पढ़ा रहे हो और क्या बता रहे हो, और उसके बाद अभी ये क्या क्या है ये? व्हाट द हेल इज दिस ऑपरेशन? व्हाट द हेल इज ऑपरेशन? एंड पहली बात क्या हुआ ये? व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू पुल राइट नाउ? क्या अचीव करना चाह रहे हो और क्या हो रहा है, और ये कर कैसे पा रहे हो? आप ही ने सिखाया था कि मैट्रिक्स इज इम्यूटेबल, यू कैन नॉट मेक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद अ मैट्रिक्स. अगर आपने मैट्रिक्स में कुछ भी हरकत नहीं करी तो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है. यस और नो? छोटा सा हरकत, अगर आप इनफैक्ट रोज को ही चेंज कर रहे हो तो कितने बच्चों से हमारा ये तो नया मैट्रिक्स बन गया. बोलो, इफ यू इंटरचेंज टू रोज, मंडे मैट्रिक्स नया बन रहा है, हाँ या ना? सर, पर दोनों साइड चेंजेस किया तो चलेगा ना? व्हाट? क्या 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 दोनों? सर मतलब हम LHS RHS को दोनों में ट्रांसफॉर्मेशंस करवा रहे हैं. LHS RHS दोनों में? अच्छा, ओके, तो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग. गुड गुड गुड, क्या बात है, गुड जॉब, बढ़िया. हाँ ब्रायन, ठीक है, बट वो चलेगा कैसे, वो भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि ये चलेगा तो चलो ठीक है, बट कैसे चलेगा. तो चलो सबसे पहले ध्यान से देखना मेरी बात, कहीं पे मैंने ऐसा लिखा है क्या कि ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स डजंट चेंज? ऐसा कहीं लिखा है क्या? मैट्रिक्स लगाने के बाद ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स डजंट चेंज, ऐसा कहीं लिखा है मैंने? बोलो. नहीं लिखा है मैंने. ऑफकोर्स मैट्रिक्स चेंजेस, ऑब्वियसली मैट्रिक्स में आप छोटा सा भी चेंज लाते हो कि सर इसकी जगह ये लिख देता हूं मैं, तो सब कुछ चेंज होगा, मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स हो गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड कि आपने ये ऑपरेशन लगाया, और ऐसे तो सर आप पहले किसी मैट्रिक्स में क्यों नहीं ऑपरेशन लगाए, क्योंकि एक मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते. ऑफकोर्स कॉन्ट्राडिक्शन लिखा हुआ मैंने, गलत लिखा हुआ है, बट रुको सुनते जाओ. सिंगल मैट्रिक्स में कभी ऑपरेशन मत लगा के आ जाना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो सर ने तो बोला था R3 - R2 कर लो, R2 - R1 कर लो, ऐसे मत करके आ जाना. एक मैट्रिक्स में कभी ऑपरेशन नहीं लगता, तो फिर मैंने अभी लगा के रखा हुआ है, क्या कर रहे हैं? तो चलो सबसे पहली बात, हाँ सबसे पहली बात, ये तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, एक्चुअली बैकग्राउंड में चल रहा होगा क्या वो बताता हूँ मैं. एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा पता है? एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो हमने अपनी खुशी के लिए लिखा था, बट देयर इज इन रियलिटी देयर इज नो सच थिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. क्या है बैकग्राउंड में, क्या होगा बच्चों बैकग्राउंड में? ये होगा XY होगा. मैं पूरा लिख देता हूँ ना, एक्चुअल बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा ये है ना, एक्चुअल बैकग्राउंड में ये है. मैंने उसको बस बोल दिया कि इंस्टेड ऑफ तीन मैट्रिसेस लिखने की जगह एक सिंगल मैट्रिक्स लिख दो, अंडरस्टैंडिंग सेम है. एक्चुअली बैकग्राउंड में ये चल रहा है. हाउ आर वी एबल टू अप्लाई एन ऑपरेशन, सबसे पहली बात तो ये R3 - R2 - R1 ये अचीव कैसे हो रहा है? तो अचीव कैसे हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है. देखो क्या टिप है, ऑपरेशन जो ऑपरेशन लगाना ना, रो ऑपरेशन आर नथिंग बट, कुछ भी नहीं है ये, आर नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन विथ प्रीडिटरमाइंड. प्रीडिटरमाइंड मतलब नोन, अपने ऐसे फिक्स्ड नोन मैट्राइसेस हैं, प्रीडिटरमाइंड मैट्राइसेस विच इनेबल द ऑपरेशन. मतलब क्या, सुनो,
अब मुझे सोच के बताना, क्या अगर ये इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, मान लो दिस इक्वल्स टू दिस, क्या मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? वुड देयर बी अ कॉन्ट्रडिक्शन इन दैट, कि वो तो परफेक्टली सही है सर, उसमें क्या गलत है? दोनों साइड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, अपन एक काम करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस मैट्रिक्स 1, 0, -3, 1। मेरी मर्जी, मैं कर सकता हूं क्या इन इक्वेशन 1? ऑफ कोर्स इन इक्वेशन 1 ये कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर, इसमें तो कोई भी गड़बड़ नहीं है। चलो है ना, तो ये देखो क्या हो गया, 1, 0, 1, 2, 0, 2, -3, -3, +3, 0, -6, +4, -6, +4 क्या होता है? -6, +4 is -2 है ना, और यहाँ पे 1, और ये -9, +, कितना होना है? -4 है ना। देखो बच्चों, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर, सही है ना। तो एक्चुअली बैकग्राउंड में ये हुआ है, कितने बच्चों समझा कि इसी चीज को अगर आप ऑगुमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, लेट्स से यू स्किप्ड द बीच वाला जो भी ये गिमिक्स हैं ये सब हटा देते, कितने बच्चों समझे अभी यही तो हुए, यही तो है। बोलो, आपने एक स्टेप में ये कर दिया, एक्चुअली में बैकग्राउंड में ये चल रहा था, आया ना। तो आपके लिए कौन सा प्रेफरेबल है, बैकग्राउंड प्रेफरेबल है कि ये प्रेफरेबल है ऊपर वाला? डायरेक्ट करो ना, दिमाग खराब, बोलो डायरेक्ट कर दो, काइको को लिखू मैं इतना पूरा पूरा मैट्रिक्स इक्वेशन और प्री मल्टीप्लायर ब्लर ब्लर। अगर मान लो अगर ऐसा हो रहा है कि मैं ऑपरेशन लगा पा रहा हूँ तो लगाऊंगा ना डायरेक्टली, मेरे को क्या लेना देना पीछे बैकग्राउंड में कौन से मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो ऑपरेशन लगा रहे इससे मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, ये ऐसे ऐसे लिखना ही गलत होता है पहली बात तो। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हु केयर्स अबाउट राइटिंग इट अच्छे से, ऐसे टेक्निकली लिखने की क्या जरूरत है, हम ऐसे ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख के सच में इसमें अप्लाई करेंगे इवन इफ इट इज टेक्निकली रॉन्ग। हम लोग करेंगे ऐसे क्योंकि हमें पता बैकग्राउंड में ये चल रहा है, ठीक है। और तुम्हें आप कितने बच्चों को बात समझ आई कि ये जो R3-3R1 ऑपरेशन था, R2 is R2-3R1, वो ये मैट्रिक्स ने इनेबल करा? बोलो, दिस फिक्स्ड मैट्रिक्स इनेबल्ड दिस ऑपरेशन, यस और नो? दिस फिक्स्ड मैट्रिक्स इनेबल्ड दिस ऑपरेशन, यस और नो? तो तुम्हें ये भी बात समझ आ रही है कि एवरी टाइम यू वॉन्ट टू अप्लाई एन ऑपरेशन इट्स लाइक यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सम फिक्स्ड मैट्रिक्स, यस और नो? चलेगा? क्योंकि कभी ना कभी आप क्यूरियस होगी कि सर आपने ऑपरेशन लगाया कैसे, आपने खुद ही ने बोल रहा था कि मैट्रिसेस चेंज होते हैं, ऑपरेशन लगा कैसे रहे हो, ये है रीजन, ठीक है? आर यू बाइंग दिस? बोलो सर, आपने ऑपरेशन लगाया उस मतलब मल्टीप्लाई किया आपने मैट्रिक्स से, बट सर आपने मैट्रिक्स प्रिडिक्ट कैसे किया जो आपने हमें? मैंने नहीं प्रिडिक्ट किया भाई, वो है प्रिडिक्टेड है ऑलरेडी। ये वाला मैट्रिक्स ले 1, 0, α1, तो ये क्या करेगा पता है? R2 is R2 + α1, तो प्री डिटरमाइंड का मतलब वही तो हुआ। अरे नॉन मैट्रिसेस है, अगर आप 0, 1, 1, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्वैप हो जाएगा, करके देख लो। अगर फर्स्ट और सेकंड रो को स्वैप करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। यू डोंट हैव टू नो द प्री डिटरमाइंड मैट्रिसेस, यू डोंट हैव टू नो द प्री डिटरमाइंड मैट्रिसेस, उससे जान के क्या करोगे? ओके सर, हाँ, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा, वो आपको क्या लेना देना उससे। अब जब आप खुद ने आपने कंक्लूड करा था कि सर डायरेक्ट करेंगे हम लोग, तो आपको क्या लेना देना पीछे क्या चल रहा था, है ना? और ये भी देखो, लेट मी कंक्लूड दिस, बट ऑपरेशंस अचीव व्हाट? तो एक्चुअल जो है इसका फाइनल कंक्लूजन होता है रैंक पे, इट कंक्लूड्स एट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, बट दैट वो मैं सिखा नहीं रहा। तो इसका जो बेसिक वाला अचीव है, क्या अचीव हो रहा है वो बता रहा हूँ, मैं रैंक तक नहीं जा रहा। तो ऑपरेशंस हो क्या रहा है, व्हाई आर वी डूइंग ऑपरेशंस? बेसिकली ऑपरेशंस क्या होते हैं? सॉल्विंग द इक्वेशंस ओनली। ऑपरेशन मतलब ये जो तुम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हरकतें करते थे ना बच्चों, ये देखो तुम्हारा ये जो है
x plus 2y is 3, 3x plus 4y is 5. अगर आपको x और y सॉल्व करने के लिए देता, अगर मैं आपको x और y सॉल्व करने के लिए देता, आप लिटरली क्या करते बताओ? सेकेंड इक्वेशन में से 3 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या बचता, दिस माइनस थ्री टाइम्स दिस करते तो क्या बचता, माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर आया ना? तो वही तो मेरा भी बचा है, ये जीरो एक्स है, ये माइनस टू वाई और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, हाँ या ना बोलो? Yes. तो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ये एक्चुअली परफॉर्म क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग ऑपरेशन, अच्छी वॉट बेसिकली सॉल्विंग इक्वेशन ओनली. द ऑपरेशन आर इक्विवेलेंट ऑफ वॉट, operations are equivalent to elimination steps that we do while solving equations. जब तुम equation solve करते हो simultaneous equations, तो तुम क्या करते हो, इसमें से इसको add करके subtract करो, इसमें से इसको multiply करके subtract करो, ये करते हो ना? वही तो मैं भी यहाँ पे करवा रहा हूँ आपसे, simultaneous equations. ठीक है, एक conclusion ये निकला इसका, यार operation से क्या हो रहा है, और एक और होता है ये वाला, ये आपको boards में आ सकता है, तो इतना copy करो. कहाँ से copy करना है, elementary row operation से? Yes, तो boards में तो direct augmented form में लिखेंगे ना? Boards में मुझे पता नहीं कि ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, boards में next वाला part जरूर पूछेंगे, boards में next वाला part. operations लगाना, लगा ऑपरेशन लगा के अपन एक और चीज करते हैं, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं. ये तो फिक्स्ड है ना, आर टू माइनस थ्री आर वन ही करेंगे ना, सॉल्विंग करना है तो यही तो करोगे और क्या करोगे, मतलब यू कुड हैव आल्सो एलिमिनेटेड, ऐसे भी तो कर सकते थे. आर टू माइनस आर वन बाई टू, तो इसमें एक्स से सॉल्व किया जाता है ना, फिर आर टू माइनस टू आर वन है, R2 is R2 minus 2 R1, sorry, हाँ, क्या कर रहा हूँ, तो इसमें y solve हो जाता है, but वो बात same ही है. Okay sir, है ना? Yes sir. तो चलो मैं final conclude कर देता हूँ इसको, इसको लिख लो पहले, और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना क्योंकि JEE के perspective से useless है actually. तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, ऊपर ऊपर से रट लेना, ऊपर ऊपर से समझ लेना बस. हाँ सर, ऑगमेंटेड फॉर्म में वो जो डॉटेड लाइन है वो बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स है ना, एक्स एंड वाई का कॉलम मैट्रिक्स, मतलब आपने दो मैट्रिसेस को जॉइन कर दिया एक साथ, तो उसको मैंने, समझ रहे हो ना, ये और ये कॉलम मैट्रिक्स को जॉइन करके एक सिंगल मैट्रिक्स में लिख दिया. ओके सर. व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज हाई, मैट्रिक्स इक्वेशंस विल बी इजियर. एग्जैक्टली जयशंकर, मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व करना विल बी रिलेटिवली इजियर एज कंपेयर टू सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. Of course. वो लास्ट टॉपिक है, वो शायद आज नहीं हो पाएगा, मुझे जैसा दिख रहा है टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, तो वो अपना एक 10 मिनट का टॉपिक और बच रहा है, विच इज मैट्रिक्स इक्वेशंस. 10-15 मिनट में हो जाएगा वो तो अभी आप खुला एकदम पूरा का पूरा बुकलेट ट्राई कर सकते हो, कुछ बचा नहीं हमारा. खुद ने करा दी क्लास में, और चार पांच है वो मैं मार्क करा दूंगा, बट वो इतने यूजलेस एक्सरसाइज है वो, इससे तो बेटर है कि तुम इंटीजर टाइप तक कर लो, और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और अगर मान लो बुक है तो उस बुक से ट्राई कर लो. डोंट डू एक्सरसाइज थ्री, बिल्कुल ट्राई मत करना, उसको छोड़ ही दो. और टू बी टू सी तक, वन ए वन भी मेरे हिसाब से बहुत आसान है, हो जाएंगे उसके आगे वाले ट्राई करो. ऐशान रुको, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा बाकी है, कंक्लूड तो करने दो.
ओके ईशान बोलो कॉपीड जस्ट देखो ये फिर भी पूछ सकते हैं फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग रो ऑपरेशंस चिपका के आपको इनवर्स कैसे निकालने तो मैं लिखाना तो बिल्कुल नहीं चाहता ऑफिशियली मैंने लिखा ही नहीं इसको कितने टाइम से ऑफिशियली ऐसे मैं स्टेप्स बताना नहीं चाहता मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है मैं तो तब भी बोल रहा हूँ ये इतना वही याद है आप तो कौन सा वाला यूज करना आप तो हमेशा यही कर लेना ये फास्टर है और श्योर शॉर्ट है ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए बाई डब्बा ए तो एडजॉइंट निकालना आता है हाँ आता है डब्बा निकालना आता है आता है डिवाइड कर दो ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए बाई दिस इज स्टिल फास्टर दिस इज स्टिल फास्टर सो बट 4 बाय 4 जैसा मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट निकालना डिफिकल्ट होगा तो ये भी तब भी डिफिकल्ट होगा अच्छा ये भी डिफिकल्ट होगा सड़िया लिए ये भी मैं वही बोल रहा हूँ क्या सर इसमें तो इक्वेशन सॉल्विंग है एक एक स्टेप मतलब अरे चलो ठीक है तुम्हारे ऊपर है मेरे को तो ये ज्यादा घटिया लगता है चलो एनीवे कंसीडर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना आता है ऑपरेशंस से कैसे तुम लोग एक काम करो राइट ए मैट्रिक्स एंड साइमल्टेनियसली क्या लिखना आई उसी के साथ साथ आई लिख देना ठीक है देन Use row operations. जो भी आपको row operations use करने हैं, use row operations to convert A matrix to I. अगर A invertible होगा तो eventually इसको आप operations मतलब operation लगा लगा के zero बना बना के divide कर करके multiply divide कर करके A को I में convert कर देना. And apply same operations to I जो in RHS में जैसे तुमने मान लो A matrix को I matrix में convert कर रहे हो तो 7-8 steps तो लगेंगी वही same every time you apply an operation in A matrix apply the same operation in I matrix right side में so when LHS is I RHS is A inverse RHS A inverse बन चुका होगा तो इतना घटिया समझाया मैंने ये You are not supposed to understand this just by following the steps. But मैं को मन भी नहीं है steps लिखाने का ये देखो क्या चल रहा है एक example लेते हैं और हमेशा की तरह मैं क्या करने वाला हूँ simple matrix लूंगा ठीक है तो मैंने क्या बोला है ये invertible matrix है पता है डब्बा नॉन जीरो है तो आप क्या लिखो A matrix मतलब 1, 2, 3, 1 और यहाँ पे आई मैट्रिक्स लिखो ये बोला है मैंने ठीक है दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे आई मैट्रिक्स लिखो और वहां पे ए मैट्रिक्स लिखो ये ए है और ये आई है अब ए को किस में कन्वर्ट करना है आई में तो ए को आई में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको 1100 बनाना है नहीं यार ये ज्यादा हो रहा है 4, 2, 3, 1 ऐसे ले तो इसमें चलो ऑपरेशंस लगाना चालू करते हैं तो रो ऑपरेशंस लगा के अपन इसको बिल्कुल आई में कन्वर्ट कर सकते हैं तो रो ऑपरेशन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों रो ऑपरेशन लगाने के लिए ये देखो 3 times R1 plus 4 times R3 सर तो 1/3 भी करेंगे अरे नहीं मेरे को 1 ही बताना अरे मेरे को 1 बनाना है रुको सॉरी इसको 0 नहीं बनाना इसको 0 बनाना है तो पहले क्या बन जाएगा R1 is R2 sorry R1 is
तो ये माइनस टू बन चुका होगा है ना, ये जीरो बन चुका होगा और ये थ्री बन, बट यू हैव टू अप्लाई द सेम इन आरएचएस आल्सो, तो दिस माइनस टू दिस चलेगा, तो दिस माइनस टू दिस, जल्दी बोलो ये समझा है? और जो एक बच्चा बोल रहा था ना कि सर आर वन इज थ्री आर वन प्लस फोर आर टू, ऐसे करके जो लिखा था मैंने, वन बाय थ्री बाहर आएगा क्या, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप ये भी लगाओ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल लगाओ इसमें वन बाय, दो तरफ लगा रहे हैं ना तो फर्क नहीं, हाँ इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा एग्जैक्टली, तो थ्री आर वन प्लस फोर आर टू भी कर सकता था मैं, वो सही कर रहा था, कोई वन बाय थ्री एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना। उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो उसके बाद मैं प्रिफर करता, डिवाइड आर वन, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लिखा, डिवाइड आर वन बाय माइनस टू, मेरी मर्जी, मेरा ऑपरेशन और मेरा व्हाइट बोर्ड, तो ये वन जीरो बन जाएगा ना, रो वन को मैंने माइनस टू से डिवाइड करा है, तो वहां पे भी करना, कितना बन जाएगा बच्चों माइनस टू से डिवाइड, तो माइनस हाफ वन जीरो वन, बोलो बोलो भाई। नेक्स्ट, अगर मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो इस कचरे को जीरो करना है, कितने बच्चों को दिख रहा है, आर थ्री इज, सॉरी आर थ्री कहां से आ गया, आर टू इज आर टू माइनस थ्री आर वन, तो ये वन जीरो जीरो वन बन चुका कि नहीं बताओ, और आर एच एस भी क्या बन चुका है, दिस थिंग इज दिस थिंग माइनस थ्री टाइम्स दिस थिंग, तो ये दोनों अनचेंजेड अनचेंजेड, और दिस माइनस थ्री टाइम्स दिस, ये थ्री बाय टू और ये दिस माइनस थ्री बाय टू, क्या मैंने सही लिखा है बच्चों, सर थ्री बाय टू माइनस टू होगा ना लास्ट टाइम, सॉरी थ्री बाय टू क्यों आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स, दिस माइनस थ्री टाइम्स माइनस टू, हाँ तो ये तुम्हारा क्या है, जब ये आई बन जाए ये ए इनवर्स बन जाएगा, समझे, जब ये आई बन जाए तब ये ए इनवर्स बन जाएगा, तो दिस इज द यूज ऑफ रो ऑपरेशंस, और कितने बच्चों ने समझ रहा ये कर कैसे रहे हो, तुम एक काम करो एडजॉइंट ए बाय डब्बा ए से निकाल के वेरीफाई कर लो, तुम्हारा ए इनवर्स यही आएगा, करके देख लो, करके दिखाऊं, और दूसरा वाला मैं क्या कर रहा हूं ना, अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, कर ही देता ना, चलो इसका कोफैक्टर वन, इसका कोफैक्टर माइनस थ्री, इसका माइनस टू, इसका वन और उसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन रहा है बच्चों, वन माइनस थ्री माइनस टू वन, एंड डब्बा ए क्या बन रहा है, डब्बा ए पॉइंट, मैंने गलती करी यार, हाँ सर नहीं आ रहा, माइनस पांच, तो मैंने कहाँ गलती करी, वेयर डिड आई गो रॉन्ग सर, वो डिवाइड बाय आर, डिवाइड आर वन बाय माइनस टू लाइक चलता है वो, हाँ 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 अरे बिल्कुल चलता है, दोनों साइड कर रहा हूँ ना, ये नहीं समझा सर, सर आपने क्वेश्चन चेंज किया ना सर, वो देखो ना आपने क्वेश्चन में वन लिखा है, आपने क्वेश्चन में वन लिख लिया और फिर फोर लिख लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, वही अबे क्या स्टूपिडिटी थी, मेजोरिटी एकदम, तो ये एडजॉइंट क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज वन था और इसका फोर था, वही तो मैं सोचू क्या धोखाधड़ी हो गई हमारे साथ, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बन जाएगा वन, ये ऐसा रह जाएगा, और डब्बा ऑफ ए क्या बन रहा है, डब्बा ऑफ ए इज फोर माइनस सिक्स मतलब माइनस टू, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डब्बा ए है ना, तो एडजॉइंट ए बाय डब्बा ए मतलब माइनस हाफ वन माइनस थ्री बाय टू माइनस टू, तो जो आना था आ गया है ना, तो ये और मेथड है, माइनस साइन थ्री बाय टू होगा, अरे वो भागों को समझ जाओ, अरे समझ जाओ यार, ठीक है मतलब सही है, समझ गया ठीक है, ये समझा, तो एडजॉइंट से भी आ गया और इससे भी आ गया, दोनों मेथड चलेगी, और कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई, आप कर कैसे सकते हो, ये क्या मेथड है, कुछ एक्सप्लेनेशन तो दो, तो आपको भले ही कॉलेज में समझाया हो गया कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, बट कैसे, हाउ आर यू एबल टू अचीव दैट, एक्चुअली में क्या होगा पता है, एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, एक्चुअली बैकग्राउंड में चल रहा होगा ए इन टू ए इनवर्स इज आई है ना, ए इन टू ए इनवर्स इज आई है ना, और फोर वन सॉरी फोर टू थ्री वन इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स तो अननोन है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिसेस, ये कर सकता हूं, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिसेस से, तो वॉट एवर ट्रांसफॉर्मेशन वॉट एवर इज हैपनिंग टू एलएचएस, ये वाले मैट्रिक्स में जो भी ऑपरेशन लग रहा है आरएचएस में सेम ऑपरेशन लगेगा, टिल ए बिकम्स आई, यही बोला ना मैंने, जब तक ए आई ना हो जाए,
तो जब तक ए आई हो चुका होगा, तो जब ये आई बन चुका होगा यहाँ पे 1001 इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स, ये वाला राइट साइड वाला ए इनवर्स बचना चाहिए ना, नहीं नहीं समझा, आप दोनों साइड ऑपरेशन लगा रहे हो, ऑपरेशन लगा रहे हो तो दोनों साइड लगता है, तो इसको ऑपरेशन लगा लगा के आपने आई बना दिया, तो राइट, इट्स लाइक एल एच एस हैज बिकम आई इंटू ए इनवर्स, तो आर एच एस मस्ट ऑल्सो बी ए इनवर्स, है ना, चो समझा चो, है ना, तो बस इसके दैट इज द रीजन की इसमें जो ऑपरेशन लगा रहे हो इसमें भी ये बनाओ, एंड बाय द टाइम दिस रिड्यूसेस टू आई, दिस वुड हैव रिड्यूस्ड टू ए इनवर्स, चलेगा, बोलो सर, रिड्यूस करने का कुछ पैटर्न होता है क्या, कि पहले वन बनाओ फिर जीरो बनाओ, या पहले जीरो बनाओ, पहले जीरो बनाओ, पहले जीरो बनाओ, पैटर्न ऑफ कोर्स जीरो बनाओगे तो फिर ऐड सबट्रैक्ट करने में बहुत आसानी पड़ेगी, पहले वन मत बनाओ, फर्स्ट मेक जीरोस सर, बट वन बनाया तो हम सपोज फर्स्ट कॉलम में चंद्रहास बिल्कुल कॉलम कर सकते हैं, बट एट अ टाइम आइदर यू डू इट इन अ रो करो या फिर कॉलम कॉलम कॉलम, सर हमने सपोज फर्स्ट एलिमेंट को वन बना दिया, फिर बाद में जो उसके नीचे एलिमेंट्स होंगे, उसके नीचे एलिमेंट्स होंगे उसे जीरो बनाना इजी होगा ना, तो पहले वन बनाना प्रेफरेबल नहीं होगा, यार वॉइस क्रैक हो गई दोस्त, सर वो बोल रहे वन बनाना ज्यादा लाइक प्रेफरेबल नहीं होगा बिकॉज उसके बाद नहीं 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 जीरो 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 ऑलवेज ऑलवेज जीरो ऑलवेज जीरो करके देख लो, एक 3x3 मैट्रिक्स ले लो, ऑलवेज जीरो ऑलवेज जीरो जीरो बनाना हमेशा, पहले इसको जीरो बनाया फिर इसके बाजू वाले को जीरो बनाया, ऐसे जीरो बनाना हमेशा जीरो, नहीं निशिम तुम्हारे ऊपर है कॉपी करना है तो कर लो, दिस इज लेंथी ऑफ कोर्स, मेरे को भी प्रेफरेबल नहीं है मेरे लिए, बट जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया, ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, जिसको कॉपी करना है कर लेना अपने हिसाब से, मेथड तो यूजलेस ही है, बोर्ड्स में पढ़ाए ना, बोर्ड्स मतलब स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया था ये, सर अटेंड नहीं, पता नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेवर माइंड, तो मैं शेयर कर देता हूँ अपना, और 15 मिनट का टॉपिक बाकी है विच इज एनी वे यूजलेस है, वो अपन ने क्रेमर्स रूल अच्छे से सीखा था तो अपन एनी वे क्रेमर्स रूल ही अप्लाई करेंगे, तो जस्ट फॉर्मेलिटी बाकी है, तो आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अपन क्या करेंगे, या लेक्चर इज ओवर, तो नेक्स्ट लेक्चर अपन क्या करने वाले, पीएनसी स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा ये खत्म करके, पीएनसी थोड़ा बड़ा है यार वो अनफॉर्चुनेटली, मतलब बीटी से एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा, तो बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करके आना चाहिए पीएनसी पढ़ने से पहले, नहीं कोई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं सर, इन पीएनसी के बाद प्रोबेबिलिटी है ना, अच्छा एक काम करो सुनो ना, रुको रुको रुको, मैं नेक्स्ट लेक्चर फ्रेश पीएनसी चालू करना चाहता हूँ, और जो बचा हुआ है वो इतना यूजलेस है कि वो जेई में तो पूछते नहीं है, और पूछेंगे भी तो अपन उससे करेंगे, एक सेकेंड रुको मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरा मन ही नहीं है वो पढ़ाने का एक्चुअली, मैं सच बताऊँ तो बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप यूज तो करोगे नहीं इसको, सब लोग अपनी बुकलेट खोलो और बुकलेट में एक काम करो, लो बुकलेट से थ्योरी हटा दी, वाओ, अबे यार पढ़ाना ही पड़ता है सर, रैंक करो सर, चलो छोड़ो 310 पर है, क्या है 310 पर, क्या है 311 पर है, मैट्रिक्स मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक होमोजेनस सिस्टम 311 कहां भाई, मेरे को दिखाई नहीं सर, या तो डाउट लेक्चर में 10 मिनट लेके कर लूं, हां मतलब देख लेता हूं, अगर नहीं तो ये पढ़ लेना, अरे एक पेज है बस, पढ़ के समझ ही आ जाएगा, हां यार कहां 311, ओह मेरी बुकलेट में 307 के बाद 317 है, किसी को ऐसा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड है क्या, मैट्रिक्स मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन करके कुछ दिख रहा है क्या, मेरे पास पीडीएफ जो इसमें नहीं है सर, रैंक भी क्या उसके नीचे मतलब, रैंक नहीं रैंक नहीं रैंक नहीं रैंक मत करना, रैंक मत करना, मैट्रिक्स इन्वर्जन,
मैट्रिक्स इन्वर्जन वो पढ़ लेना, रैंक वाला मत पढ़ना, मैट्रिक्स इन्वर्जन मतलब ए एक्स इक्वल टू बी है ये वाला पढ़ लेना काफी है, एक्स इज ए इनवर्स बी बस। सो ये है इसका मतलब, ये नोट्स उसमें दिख रहा है क्या पीडीएफ में? अच्छा फोटो भेजो क्या ग्रुप पे? भेज दे मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये पढ़ लो बस, फोटो भेज दो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर पढ़ा ही दूंगा। हाँ तो पीएचसी प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी छोटा टॉपिक है, पीएनसी बड़ा टॉपिक है, पीएनसी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट प्रोबेबिलिटी सुपर, पता नहीं नॉट श्योर, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा, प्रोबेबली भरत सर करेंगे, ठीक है चलो बाय बाय बाय। थैंक यू सर। मैंने बोला कि पीएनसी तो मतलब नया दूसरे ट्रैक में आता है, मतलब कभी तो बोला था, देख लेता हूँ मैं, कंफर्म कर लेता हूँ, पता नहीं आता दूसरे ट्रैक में, बट मेरी भरत सर से बात हुई तो भरत सर बोल रहे थे कि भैया उनका इंटीग्रेशन एकदम थोड़ा सा खींचेगा, तो उन्होंने बोला कि सर आपका अगर खत्म हो गया ट्रैक तो आप पढ़ा दो पीएनसी प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला ठीक है सही बात है, ठीक है चलो बाय बाय। सर मेरे पास भी जो बुकलेट है उसमें 307 का 317 है, किसी को बोल दीजिएगा भेज, हाँ वो मेरे साथ भी वही है, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा यार, तो मैं पढ़ा दूंगा, छोड़ो ना 10 मिनट का, ओके बाय।